हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत दिन के बाद ये टिप्स का वीडियो आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर ऐसी वीडियो चाहिए आपको टिप्स की, बैटिंग की, बॉलिंग की, या बहुत लो फील करते हो, तो भाई इस वीडियो पे 3000 लाइक आप करा दो तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा वीक में 2-3। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, BCCI ट्रायल, जो अपने BCCI के ट्रायल होते हैं, और प्राइवेट ट्रायल जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से ट्रायल आपको देने चाहिए। और गाइज, आप सबको बिल्कुल जानू बताऊंगा, और मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि मैं BCCI के ट्रायल को हेट करता हूँ या प्राइवेट ट्रायल को, जो मुझे लगता है वो बताऊँगा। क्योंकि गाइज, आप सब मेरे फैमिली मेंबर की तरह हो, आप मुझे देखते हो, इतना सुनते हो, इतना फॉलो करते हो, तो आप सबके पास जो जाना चाहिए वो रियल जाना चाहिए। तो आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। और गाइज, कमेंट बॉक्स में बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, जल्दी जल्दी अब वीडियो आएगा। अब बात करते हैं कौन से ट्रायल आपको देने चाहिए। गाइज, सबसे पहले बात करेंगे जो अपनी प्राइवेट लीग होती है, उसके बाद बात करेंगे जो अपने BCCI के ट्रायल्स होते हैं। तो सबसे पहले 3 फायदे मैं आपको बताऊंगा अपने प्राइवेट लीग के, और 3 नुकसान बताऊंगा, और ऐसे ही मैं आपके जो अपने BCCI के ट्रायल होते हैं उनके 3 फायदे और 3 नुकसान। और गाइज, आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, वो ये लीग खेलते हैं, तो उनके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे, तो वहां तक आपको रुकना पड़ेगा। और लाइक जरूर करते रहना, क्योंकि भाई मोटिवेशन फील होता है और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी आएंगी। अब बात करते हैं 3 फायदे के लिए जो प्राइवेट लीग खेलने से होते हैं, और नुकसान भी गाइज इसके बाद बताने वाला हूँ 3, जो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, बहुत भाई कमेंट करते हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं एकेडमी जिन्होंने ज्वाइन नहीं की, वो भी बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो सारे आज आपको आंसर मिलने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं फायदा नंबर 1, जो भी बिगनर्स होते हैं या वो प्लेयर होते हैं जिन्हें एकेडमी मैच नहीं मिलते, अच्छे टूर्नामेंट नहीं मिलते, तो उनके लिए बेस्ट है कि उन्हें अच्छे मैचेस मिलेंगे, अच्छे टूर्नामेंट मिलेंगे। और दूसरा, जब वो वहाँ पे मैच खेलेंगे, दूसरे स्टेट के प्लेयर होंगे, वो टूर्नामेंट खेलने का एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि सभी स्टेट के होंगे और मैच उसमें फंसे हुए भी होंगे। उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, उसमें अगर आपने अच्छा कर दिया, तो वहाँ पे आपका नाम भी होगा। कुछ लीग होती है ना जो लाइव भी कराती है, और लाइव में जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आपको लोग देखेंगे, जानेंगे, और वो एक्सपीरियंस अलग ही होता है। क्योंकि जब आप कोई नॉर्मल टूर्नामेंट खेलोगे तो वहाँ इतनी जल्दी चांस नहीं मिलता, तो प्राइवेट लीग में क्या होता है ना, आप थोड़े बहुत पैसे देके जब आप वहाँ टीम में खेलते हो, तो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको लोग देखेंगे, तो एक नाम बनता है, अलग एक्सपीरियंस बनता है। उसके बाद आप जब BCCI के या कुछ ट्रायल देने जाओगे, अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आएगा अपने में, क्योंकि मैचेस से हमें कॉन्फिडेंस आता है। अब बात करते हैं गाइस 3 नुकसान के बारे में, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना, उसके बाद ही आप अच्छे से अपने दिमाग में सोच सकते हो ये लीग खेलना है नहीं खेलना है। सबसे पहला जो अपना नुकसान है गाइस, नुकसान बताने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट में मैं अपना व्यू बताऊंगा, मैं क्या सोचता हूं इन लीग्स के बारे में, या BCCI लीग के बारे में कौन से आपको देने चाहिए, वो जेन्युइन होगा बिल्कुल, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटा भाई समझ के सुन सकते हो, या बड़ा भाई, या अपना फ्रेंड, तो वो लास्ट में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहला, बहुत ज़्यादा पैसे मांगना। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा है कि जो भी लीग होती है ना, 6000 दे दो, 10000 दे दो, 20000 दे दो, ये लीग मांगती है। तो सबसे पहले आपको इससे सावधान रहना पड़ेगा, सबसे पहले आपने देखना है कि मेरा बजट कितना है, मैं कितने बजट में ये लीग खेल सकता हूँ। अगर हाँ, मेरी फैमिली बोलती है कि आप खेलो, इतना बजट हमारा है, हम दे सकते हैं, तो खेलो। अगर आपकी फैमिली इतने पैसे नहीं दे सकती, तो गाइस आप बिल्कुल भी ये लीग मत खेलो, आप अवॉइड करो। इसका जो नुकसान क्या होगा, नुकसान क्या होगा, आप पैसे दे दोगे, आपने 2-3 मैच खेले, अभी आप बिगनर हो, मैच खेलना आपने स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो आपके 10000-15000 गए, वो वेस्ट हो जाएंगे, नहीं आपको उसका फायदा होगा, और आगे आप टूर्नामेंट नहीं खेल सकते कोई भी, क्योंकि आपका वहाँ से आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी कि तूने वो टूर्नामेंट खेला, वहाँ तूने 20000 दिए, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर आपके बजट से बाहर है, आप अगर 1-2 हज़ार दे सकते हो तो आप खेल लो, कि हाँ मेरा इतना बजट है, उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी कोशिश मत करो पैसे देने की, क्योंकि गाइस पैसा अगर आपने एक बार दे दिया ना, वो वापस आना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले ध्यान से आपको सोच समझ के डिसीजन लेना कि अगर आपके बजट से बाहर है तो आप मेरे हिसाब से अवॉइड करो। दूसरा, जो लड़के प्राइवेट लीग खेलते हैं ना, तो वो उसको ही सब कुछ मान लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि BCCI के ट्रायल कुछ है, देने नहीं देने, वो कुछ भी नहीं मानते। उनके अगर उसने कुछ परफॉर्म कर देना एक मैच में, अगर मान लो 50 मार दिए या 2 विकेट ले, 4 विकेट ले, वो सोचते हैं कि जो कुछ है यही लीग है, यही हमें सब कुछ खिलाएगी, तो भाई ऐसा नहीं है। सीधा सा फंडा है, आपको BCCI के ट्रायल देने पड़ेंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, आपको स्टेट खेलना पड़ेगा, जब भी जाके कुछ होगा। सिर्फ आप जो अपने प्राइवेट लीग होती है उसके आप टूर्नामेंट खेल सकते हो बस, अगर वो बाहर ले जा रहे हैं, आउट ऑफ अपना कंट्री ले जा रहे हैं, या आप आउट ऑफ अपने स्टेट जा रहे हैं, वो वहीं तक सीमित है। आप उसमें भूल जाओ कि आप अपने स्टेट भी खेलोगे, आप अपना, उसके लिए आपको ट्रायल ही देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको BCCI के अंडर में ही जाना पड़ेगा। ये मानना छोड़ दो कि ये लीग ही सब कुछ है, हाँ उसमें आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, उसमें अपना नाम बना सकते हो, उसके साथ साथ आप ये अवॉइड मत करो कि आप BCCI के ट्रायल अवॉइड कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको ट्रायल देने हैं, उससे आपको बस जो आपकी प्राइवेट लीग है उससे आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, उसको आपको नाम बनाना है। उसके बाद जो भी आपका कॉन्फिडेंस मिले, जो भी आपको मोटिवेशन फील हो, वो BCCI के ट्रायल में दो, अच्छे टूर्नामेंट में जा खेलो, वहाँ भी आपका नाम बनेगा। तीसरा नुकसान जो लड़के बहुत ज़्यादा करते हैं, बिना अकेडमी के सीधे प्राइवेट लीग खेलना। भाई आपने आज तक कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की, आपने आज तक कभी लेदर की बोलने पर, टेनिस वाले भी
जो खेलते हैं। तो आपने अभी तक अगर कुछ अकेडमी ज्वाइन नहीं की, आपको रूल ही नहीं पता है क्रिकेट खेलने के, आपको ये भी नहीं पता आप क्रीज के अंदर कैसे जाओगे, आप बॉल कैसे फेंकते हैं, सीम क्या होती है, आपको ये सभी नहीं पता, तो आप प्राइवेट लीग में वहाँ क्या जाके अच्छा कर लोगे। आपने 15,000-20,000-50,000 वहाँ पे दिए हैं, आपको अब तक क्रिकेट का ABCD नहीं पता, तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे वहाँ पे जाके। मैंने खुद बहुत जगह देखे हैं, मैंने बहुत सारे लड़के ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल बिगनर है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी क्रिकेट नहीं खेला, सिर्फ टेनिस क्रिकेट खेला हुआ, या अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं सीधे प्राइवेट लीग से स्टार्ट कर ले, भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। तो सीधा सा फंडा समझ जाओ, पहले अगर आपको खेलना है ना तो थोड़ा टाइम दो अपने आप को, 6 महीने 1 साल अकेडमी में जाके दो, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो अगर हाँ आपका खेलने का मन है तो थोड़ा सा पक जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप जब अकेडमी में और बच्चे से मिलोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे कितने कंपटीशन है, कितने कैसे खेलते हैं लड़के, बैट्समैन कैसे खेलते हैं, वहाँ जाके आपको दिख जाएगा, क्योंकि 50-100 बच्चे आपके पास हो गए अकेडमी में। तो यही गलती मत जो करो। पैसा आप प्राइवेट लीग में दोगे ना, उससे बहुत ज़्यादा कम में आप अकेडमी में प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत भाई ने तो बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, कोई 50,000-1,00,000 ऐसे देते हैं, तो उसमें भाई 1 साल तक आप अकेडमी में खर्चा निकाल सकते हो, उसके बाद 1 साल के बाद आप तैयार होकर फिर अच्छे टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करो भाई, सबसे पहले अपने आप को तैयार करो। कैसे पता चलेगा आप तैयार हो? जब आप प्रैक्टिस मैच में रन मारते हो ना, या आप कोई टूर्नामेंट में, नॉर्मल टूर्नामेंट जो होते हैं आपके सिटी में, आपके स्टेट में, तो उसमें अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप समझ जाओ आप तैयार हो, आप खेलने लें, आप खेलने के लायक हो। अगर आप उनमें रन नहीं मार रहे, प्रैक्टिस मैच में 0 पे आउट हो रहे हो, या बहुत सालों से आप रन नहीं किए, तो आप कैसे खेलोगे भाई? उसमें क्या कर सकते हो आप प्राइवेट लीग में जाके? तो सीधा सा अपने दिमाग में डाल लो कि सबसे पहले मुझे अपने आप को पकाना है, मुझे माहौल देखना है क्या है। अगर हाँ मेरा बजट इससे बाहर है तो मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूंगा। बहुत भाई का बजट होता नहीं, कोई बोल रहे भैया मम्मी बीमार है, बहुत ज़्यादा मैसेज मुझे आते हैं कि मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है, तो मैं कैसे प्राइवेट लीग खेलूंगा? भाई अगर आपका बजट नहीं है तो आप मत खेलो ना भाई, BCCI के इतने अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है, आप उसे खेलो ना। अगर ऐसा होता तो सब भी अपना प्राइवेट लीग से खेल के इंडिया खेल रहे होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब उससे खेलते हैं। जो भी आज तक खेला है, जो भी आज तक कुछ खेल रहा है, वो BCCI से खेला है, BCCI के ट्रायल देके, स्टेट खेलने के बाद, रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद इतना बड़ा नाम बनाया है। हाँ, जो मैं जैसे मैंने फायदा आपको बताया, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ से आपको एक नाम बनेगा, जो आपको मोटिवेशन मिलेगा ना वहाँ पे लीग खेलने पर, रन बनाने पे, वो आपको फिर आगे भी काम आएगा। करते हैं BCCI ट्रायल के बारे में, जो नुकसान होते हैं और फायदे होते हैं। नुकसान नहीं बोलेंगे, सीखना बोलेंगे उसको। सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे ट्रायल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के होते हैं या अपने जोनल या स्टेट के होते हैं, तो उसमें बिगिनर्स को भाई वो चांस बहुत मुश्किल देते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए पका पकाया प्लेयर। मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, रन मार रहे हो, आप टैलेंटेड हो, नेट में सबसे अच्छा खेल रहे हो, वो वहाँ पे सिलेक्ट होगा। वहाँ पे ये नहीं कि वो बिगिनर्स को भी ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, नामुमकिन है वो। तो ये सबसे पहले आप बोल सकते हो बिगनर्स के लिए नुकसान है, क्योंकि उन्हें टाइम लगेगा, आपको पकने में टाइम लगेगा। आपको जब आप अपने बेसिक अच्छे कर लोगे बैटिंग के, या बॉल थोड़ा तेज फेंकने स्टार्ट कर दोगे, स्विंग करना स्टार्ट कर लोगे, विकेट लेना स्टार्ट कर दोगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, जब जाके आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। और दूसरा क्या होता है गाइस, थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत आई, नहीं मैं बोलूँगा कि पूरा ये बिल्कुल चांसेस ही नहीं जाने को। अगर चांसेस ना होता तो इतने टैलेंटेड प्लेयर जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं वो नहीं खेल रहे होते, तो चांसेस है। पर ये थोड़ा बहुत होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे थोड़ा बहुत होता है कि अगर 30 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, 5-6 का आप मान सकते हो कि वो थोड़ा बहुत जो कोच के जान पहचान में होते हैं, कोच के किसी फ्रेंड के, ऐसे करके चले जाते हैं। पर 25 प्लेयर जेन्युइन होते हैं, जो अच्छा खेल रहे होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में नाम बना के रखते हैं। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि भैया हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत पॉलिटिक्स है, मैं दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ। भाई आप दूसरे स्टेट में जाओगे उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है। पर ऐसा नहीं है, वो सबके लिए, अगर आप अच्छा खेलोगे तो चांसेस है भाई। बहुत सारे लड़के हैं जो डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करते हैं, जोनल में अच्छा करते हैं, उनका स्टेट में नाम आ जाता है, बहुत सारे लड़के हैं। तो वो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि 100% बिल्कुल सब कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना परफॉर्म करो डिस्ट्रिक्ट मैचेस में, जहाँ भी आपको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है अच्छे टूर्नामेंट में, तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, जो सब कुछ आप क्रिकेट खेलोगे, फायदे के बारे में बता दूँ, जो आज इंडिया लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, भाई आपको सिर्फ फॉर्म के आप कितने मान लो, 500 फीस होती है, जो हमारी लीग की फीस होती है 1-2 हज़ार वो होती है, उसके अलावा कहीं भी आपको ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी, 1-2 लाख ऐसी फीस कहीं नहीं देनी पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, आपको वहाँ परफॉर्म करके दिखाना है। जब आप स्टेट खेलोगे तो उसके अलग पैसे मिलते हैं, जब आप IPL में सेलेक्ट होते हैं उसके अलग, रणजी ट्रॉफी की अलग फीस मिलती है, तो BCCI आपको देती है, आपसे लेती कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे उनके नज़रों में, अपने स्टेट के नज़रों में अच्छा कर रहे हो, या आप IPL में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा कर रहे हो, या इंडिया टीम के लिए अच्छा कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे पैसे मिलते ही हैं। तो जो भी, और इनमें हमारे पास सबसे बड़े उदाहरण भी है, जो भी आज इंडिया लेवल पे खेल रहे हैं, जो भी आज IPL लेवल पे खेल रहे हैं, आप देखते होंगे इनकी लाइफस्टाइल, वो कैसे खेल रहे हैं और कैसे वो रह रहे हैं, तो सब कुछ आप इंस्टाग्राम से देख ही लेते होंगे। तो सब कुछ जो भी है वो BCCI के ट्रायल से ही होने वाला है, ना कि प्राइवेट लीग से। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ प्राइवेट लीग के बारे में। अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना वो मांगते, तो आप बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने भाई छोटा भाई समझ के, अगर मेरा छोटा भाई भी होता मैं उसको ऐसे ही बोलता कि भाई मत खेल, तो आप भी भाई बिल्कुल मत खेलो। अगर आपके आपके पापा किसी से लेके दे रहे हैं,
कहीं से उधार लेके दे रहे हो तो बिल्कुल मत खेलो भाई। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको जाना है, तो आप जा सकते हो। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, आप उधार लेके या फिर ऐसे कहीं से अरेंज कर करो, तो भाई बिल्कुल भी कोई भी प्राइवेट लीग आप मत खेलो। आप भी सीए के जो ट्रायल होते हैं वो दो। अगर हाँ आपको खेलना भी है, टूर्नामेंट होते हैं बहुत सारे, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे, स्टेट में होंगे, अगर आपको वहाँ 1500 एक 2000 देने में आपको टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल रहा है, तो आप वहाँ पर खेलो, वहाँ पर अच्छा करो। जब आप वहाँ पर अच्छा करोगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा कर सकते हो। तो ये है, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो भाई मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कहीं से अरेंज करके पैसे दे रहे हैं, ये अरेंज करके दे रहे हैं, वो सोचते हैं उनके मन में पता नहीं कहाँ से बात बैठ गई कि मैं खेलूँगा तो मैं परसों जाके इंडिया खेल लूँगा, परसों जाके मैं बहुत बड़े बड़े टूर कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, परफॉर्म आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। जब आप अच्छा खेलोगे, जब भी आपको प्राइवेट लीग वाले पूछेंगे, अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे ना, तो वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाते। बहुत सारे ऐसे भी लीग वाले मैंने देखे। और अब आपको बता दूँ, सारी प्राइवेट लीग गाइज ऐसी नहीं होती, बहुत सारी प्राइवेट लीग ऐसी भी है जो अच्छा लड़कों को दे रही है। अब गाइज लास्ट में आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर भी हो गए, अपने क्रिएटर्स भी हो गए जो लीग खेलने जाते हैं, तो भाई उनका सिस्टम क्या होता है, वो स्पॉन्सर्ड अलग सिस्टम होता है। उसमें आप पहले अपने आप भी एनालाइज कर लो, क्या है सब कुछ, मेरी इतना बजट है नहीं है, क्योंकि सबको स्पॉन्सर्ड कोई करके रखता है, कोई पैसे मिलते हैं। अब गाइज एंड करते हैं इस वीडियो का, मैंने साफ साफ आपको पूरी पिक्चर समझा दी। अब अपना दिमाग लगाओ और सोचो करना क्या है या क्या नहीं करना है, और लाइक जरूर कर देना जैसे मैंने आपको टारगेट बताया था। आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट है, क्रिकेट विशाल, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।